नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थौबल से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से ये बदलाव किया है। राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी। कांग्रेस ने इन शर्तों की वजह से जगह में बदलाव किया है। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के 2 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। धौलपुर और बांसवाड़ा जिले से एक दिन में दोनों जिले कवर करेंगे। लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे राठौड़ और पूनिया। आलाकमान कर रहा मंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के लिए भाजपा आलाकमान मंथन कर रहा है। दोनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा भेजने का विकल्प भी शामिल है। चर्चा है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। सतीश पूनिया जयपुर ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ भी प्रदेश के किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट बंटवारे के लिए कई नए प्रयोग किए जो काफी हद तक सफल भी रहे। अब ऐसा ही नया प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 15 से 16 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। राजस्थान के इन 19 नए जिलों में खोले जाएंगे वृद्धाश्रम। राजस्थान के 19 जिलों में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं व ट्रस्टों के माध्यम से इन वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाएगा। खास बात ये है कि इन 19 में से 15 नवगठित जिलों में ये वृद्धाश्रम खोलना प्रस्तावित है। इन जिलों में खुलेंगे वृद्धाश्रम जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर बालोतरा, डीडवाना कुचामन, ब्यावर दूदू, सलूम्बर, शाहपुरा डीग, हनुमानगढ़, करौली, केकड़ी, बहरोड़, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण व भीलवाड़ा जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे। लोकसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक में वसुंधरा नहीं पहुंची। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। चुनावी रणनीति को लेकर जयपुर में दिल्ली रोड स्थित राजस्थली होटल में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उनकी बहू की तबीयत खराब होने के कारण वे बैठक में नहीं आ पाई हैं। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सामने की तरफ जगह दी गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनके साथ जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद शेखावत ने इशारा करके उन्हें सामने बुलाया और उनके लिए कुर्सी लगाई गई। राजस्थान के 10 जिलों में घर से बाहर निकलना होगा मुश्किल। मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो चुका है। अब मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार अब आगामी 2 दिनों तक 10 जिलों में सुबह सुबह घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन जिलों में अब घना कोहरा छाएगा जिससे सर्दी बढ़ने के साथ दृश्यता में भी बहुत कमी आ सकती है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर तथा पश्चिमी राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ में तथा रविवार को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और सीकर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाया रहेगा। अयोध्या में बंटेगा महाकाल मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू भगवान राम की नगरी अयोध्या भेजे जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला को महाकाल मंदिर के लड्डुओं का भोग लगेगा। भक्तों को भी प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जाएंगे। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। इसके बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर की चिंतामन यूनिट पर लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है। यहां 250 क्विंटल लड्डू प्रसादी तैयारी की जा रही है जिसकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए आएगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जॉइनिंग से पहले रोकी भर्ती। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में पिछले साल निकाली गई 258 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। एग्जाम, फिर रिजल्ट और अब डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद इसमें सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने से रोक दिया गया है। यह भर्ती पिछली सरकार में निकाली गई थी। 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने का लक्ष्य। बैठक में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भाजपा एक अभियान शुरू कर रही है। इसमें पूरे देश भर से 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। राजस्थान से भी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने की योजना है।
दिन दहाड़े बैंक में घुसे बदमाशों ने की फायरिंग। भरतपुर रिको इंडस्ट्रीज एरिया स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने बैंक में हवाई फायरिंग की और कैश काउंटर से लूज कैश अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फायरिंग की आवाज से बैंक का सायरन बज उठा। बदमाश आनन फानन में महज 23,000 रुपए की नकदी को ही लेकर भाग जाने में सफल रहे। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर जारी हुए ये आदेश 20 जनवरी तक रहेगा लागू। मांझे के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर लगाई गई है। ये आदेश 20 जनवरी तक लागू रहेंगे। साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुबह 6 से 8 बजे व शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाना प्रतिबंधित किया है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी को दंडित किया जाएगा। अचानक एक्शन में आए राजस्थान के सीएम भजन लाल। जारी किए कड़े आदेश राजस्थान में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं। अब ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी की जाएगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने अवैध खनन और बजरी खनन रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में अवैध खनन रोकने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा ने सख्त कहा, दोषियों पर कार्रवाई करें अफसर। HSRP नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू। परिवहन मुख्यालय जयपुर राजस्थान सरकार के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगवाए जाने का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP लगवाने के लिए किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।